नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, पांच साल पांच काम पांच सवाल। 11 अप्रैल को उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर चुनाव होंगे। अब सारा दारोमदार आप पर है, आपके ही वोट तय करेंगे आपका प्रतिनिधि। कौन रखेगा संसद में आपके सवाल, किसको देंगे आप विकास की जिम्मेदारी, कौन होगा अगले पांच साल सत्ताधारी, इन्हीं सवालों और आपके सांसद के रिपोर्ट कार्ड के साथ आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर। राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट सूबे की वीआईपी सीटों में से एक है। ये सीट अभी भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। यहाँ से सांसद महेश शर्मा केंद्रीय मंत्री हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा ने अपनी प्रतिद्वंदी समात्री हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में महेश शर्मा ने अपनी प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के नरेंद्र भाटी पर करीब 3.25 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। गौतम बुद्ध नगर की लोकसभा सीट पर 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, तब बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र सिंह ने महेश शर्मा को 2 लाख के अंतर से मात दी थी। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें नोएडा, जेवर, सिकंदराबाद, दादरी और खुर्जा शामिल हैं। 5 साल 5 काम और 5 सवाल। आज हमारे साथ मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में नोएडा को क्या क्या तोहफा दिया, लोगों के लिए क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई। सर, 5 साल हो गए हैं, 5 बड़े काम जो आपके द्वारा नोएडा वासियों को दिए गए। देखिए, मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर खासतौर पर, मैं तो वैसे तो उन्होंने देशभर के लिए काम किए हैं, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का अगर मैं व्यक्तिगत मानूं तो उन्होंने इतना बड़ा तोहफा दिया है मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, 50,000 करोड़ से अधिक के काम मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को क्षेत्र को मिले हैं, और उनमें से अधिकतम काम ऐसे हैं जिनका खाली शिलान्यास नहीं हुआ, उनका मैं समझता हूँ लोकार्पण भी हुआ। सबसे पहली थी यहाँ की कनेक्टिविटी के माध्यम से मेट्रो का जो जाल मेरे क्षेत्र के अंदर दिया गया है, यहाँ से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो, यहाँ से गाजियाबाद तक मेट्रो, यहाँ तक ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सटेंशन तक मेट्रो का जाल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दोनों बार उसका लोकार्पण किया गया, मेरे लिए खुशी की बात है। दिल्ली से कनेक्टिविटी बढ़ाई, सबसे बड़ी भेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी ने मेरे क्षेत्र को जो दी है, जेवर हवाई अड्डा, देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जहाँ कार्गो भी होगा, रिपेयर का काम भी होगा, किसान को भी लगेगा कि हवाई अड्डा खैर मेरे की भी किस मतलब का हो सकता है, एक बहुत बड़ा काम दिया है। 11,000 करोड़ की लागत से पावर हाउस, पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश में कोई नया पावर प्लांट नहीं लगा था, आज बिजली की 24 घंटे उपलब्धता शुरू कराई जाए। ये शहर है, इस शहर को 24 घंटे 24 मंजिली मारते हैं, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था होने का व्यवस्था उन्होंने करी है, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा श्वास दिलाया है। मेरठ तक की दूरी मात्र 45 मिनट में और गुड़गांवा तक की दूरी ईस्टर्न पेरिफेरल वे के माध्यम से मैं समझता हूँ मात्र 1.25 घंटे के अंदर पूरी होगी। ये कनेक्टिविटी के रूप में एक बहुत बड़ा योगदान हुआ है। अन्य जो काम शुरू हुए, मयूर विहार से लेकर एलिवेटेड रोड वाया दिस शाहदरा ड्रेन के माध्यम से जो ट्रैफिक जाम होता था, दिल्ली से घुसते ही लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता था, वो हमारे लिए बहुत बड़ा बून है। साथ साथ ओखला बर्ड सेंचुरी, बॉटेनिकल गार्डन, नेशनल म्यूजियोलॉजी इंस्टीट्यूट, देश का पहला फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट, ये चारों संस्थान जिनका शुरुआत भी हमने करी और लोकार्पण भी हम ही लोगों ने किया है। 25 एकड़ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दीनदयाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर सेंटर जो शुरुआत किया है, देश का सबसे बड़ा आर्कियोलॉजिकल सेंटर हमारे नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिला है, मैं बधाई देता हूँ, देश क्षेत्र की जनता को भी बधाई देता हूँ कि इतने कुछ काम इस पिछले 5 साल के अंदर हमारी प्रधानमंत्री जी की सरकार ने और 1.5 वर्ष का समय जो योगी जी की सरकार ने किया है। मैं सब शुभकामनाएं देता हूँ अपने क्षेत्रवासियों को और विश्वास जगाता हूँ कि आगे भी काम ऐसे ही होता रहेगा और आने वाले समय में देश की ज़रूरत है आज मोदी जी, और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा ऐसा हमारा विश्वास है। सर, एक सवाल, क्योंकि कई बार विपक्षी और कई बार जनता, आपको बड़ी जिम्मेदारियां भी मिली हैं लेकिन वो ये आरोप लगाते रहते हैं कि आपकी अवेलेबिलिटी कम है, मतलब आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, आप क्षेत्र में नहीं मिलते हैं। देखिए, राजनीति वाले विपक्षी लोग ये कहें, उन्हें कहना चाहिए, कोई बात नहीं, ये उनका धर्म है और फर्ज है, क्योंकि उनके पास कोई और मुद्दा है ही नहीं। मैं समझता हूँ मैं NCR क्षेत्र का पहला ऐसा सांसद हूँ
जो रोजाना अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में शाम को आके रोज 200-400-500 लोगों से मिलता हूँ, शनिवार इतवार के दिन मैं अपने क्षेत्र में निकल जाता हूँ, और जितना शायद मैं अपने क्षेत्र के अंदर घुमाया हूँ, 1186 गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, 472 सोसाइटियाँ और कॉलोनियाँ हैं, मैं लगभग उनमें से 80% जगहों पर जा चुका हूं अब तक अपने इस 3 साल के अंदर। तो जो विपक्ष के लोगों को आरोप लगाने, उनका धर्म फर्ज है ये करना। एक आखिरी सवाल है कि क्या लगता है आगे का रोड मैप कैसे तैयार किया है आपने, क्योंकि अब जनता के लिए जब आगे आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आगे जनता के लिए किस तरीके से रोड मैप, उनकी सेवा का रोड मैप तैयार? देखिए, मेरी पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी, और दूसरा विषय है कि मेरे क्षेत्र के लिए मैंने इतने काम किए हैं, और पेशे से तो मैं डॉक्टर हुई, लेकिन उसके बाद यहाँ के पर्यावरण को ठीक रखना, यहाँ की ट्रैफिक जाम व्यवस्था को ठीक रखना, यहाँ की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधार कर रखना, और कनेक्टिविटी के माध्यम से इस मेट्रो के जाल को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और स्ट्रांग करना, ये मेरी प्राथमिकताएं होंगी आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि आगे आने वाली समय में वो जनता के लिए उसी तरीके से काम करेंगे जैसे पहले किया, और इनका ये भी बताना था कि ये लगातार जनता की सेवा करते रहेंगे। गौतम बुद्ध नगर के सिस्टमेटिक विकास में RWA के रोल को नकारा नहीं जा सकता। गौतम बुद्ध नगर में RWA की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सोसाइटी के मेंटेनेंस से लेकर हर मामूली दिक्कत से निपटने के लिए RWA संगठन हमेशा तैयार रहता है। RWA को अपना काम करने के लिए प्रशासन के सपोर्ट की जरूरत हमेशा ही रहती है। क्या लगता है 5 साल 5 काम आपके इलाके के सांसद ने अपनी भूमिका को किस तरीके से निभाया? एक्चुअली क्या कि परेशानियां तो हैं, जो लोकल तो रहती हैं वो तो चलती हैं, वो तो म्यूनसिपल सर्विसेज का है, लेकिन जो सांसद का जहां तक रोल है बड़ी चीज़ों में, उनका अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और क्योंकि वो क्या चीज़ें चाहिए, वो पढ़े लिखे भी हैं, लोगों से मिलते भी हैं, लोग जाके मिल भी सकते हैं, रात के 12 बजे तक पढ़ते हैं, लोगों की शिकायत भी सुन रहे थे, लोगों की शिकायतों को आके फॉरवर्ड भी कर रहे थे, और मैंने ये देखा कि हमेशा 12 तक लोगों से मुलाकात रही थी उनकी, और बड़े बड़े काम भी उन्होंने जेवर एयरपोर्ट का करवाया, ये इधर एलिवेटेड रोड को उन्होंने बढ़वाया, हैबिटेट सेंटर को उन्होंने करवाया था, बर्ड सेंचुरी में उनका रहा, तो जो बड़े बड़े पॉलिसी उसने उसमें उनका योगदान ठीक रहा, और आगे भी लोगों से मिलते हैं, हर एक एक बंदे को जानते हैं काफ़ी, तो आई थिंक ये जो है अच्छे रहे इनका रोल का। लोग चाहते हैं कि उनका सांसद लोगों के बीच रहे, जैसे आपने बताया कि लोगों से मिलते खूब हैं, तो आपको फील हुआ कभी आप लोग शिकायत लेके गए तो सांसद जी ने सुनी? और हाँ, कई बार एक दो चीज़ की मदद मांगी, उन्होंने फौरन वहाँ टेलीफोन कर दिया, तो उसको हो गया था काम। यानी हम मान सकते हैं कि 5 सालों में उनका काम ठीक रहे जी। तो गौतम बुद्ध नगर का सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय एवं पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षण संस्थान विकास का जीता जागता नमूना है। स्थानीय लोगों के लिए यह हॉस्पिटल बहुत ही कारगर है, यहाँ पर लोग दूर दूर से अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। 5 साल 5 काम 5 सवाल में हम गौतम बुद्ध नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल पहुँचे हैं। यहाँ पर हम जनता से बात करेंगे और पूछेंगे कि उनके सांसद जो पिछले 5 साल से यहाँ पर थे, उन्होंने किस तरीके का विकास कार्य किया और उनको क्या सुविधाएँ यहाँ दिखाई देती हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं और अपने इलाज के लिए इस अस्पताल में पहुंचते हैं। एक आंटी जी हैं, इनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है आंटी जी आपका? कृष्णा। अच्छा, आप नोएडा में ही रहते हैं? हाँ, नोएडा में रहते हैं। 5 साल हो गए हैं, आपके जो सांसद हैं जानती हैं कौन है? नहीं, हम उतना नहीं जानते। महेश शर्मा सांसद हैं। आपको लगता है कि कुछ अच्छा काम हुआ है, कुछ विकास का काम हुआ है नोएडा में? अच्छा काम तो हो ही रहा है, साफ सफाई हर जगह हर चीज़ है ही है जी। इसमें आप लोग आते हो, हॉस्पिटल आते हो तो सुविधाएं पूरी मिलती हैं? हाँ, सुविधा पूरी है हॉस्पिटल में जी। हाँ, इलाज कराने आती हैं। हॉस्पिटल कैसा है? सही है। अच्छा, ये नोएडा के लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल में वो जब आते हैं तो उनको इलाज भी ठीक मिलता है और कहीं ना कहीं विकास कार्य देखने को मिल रहा है। और लोगों से बात करेंगे, उनसे मुखातिब होंगे। कुछ लोग खड़े हैं, अगर बात करें तो अपने सांसद को आप जानते होंगे, कौन सांसद है, क्या नाम क्या है आपका? नीरज। नीरज, महेश शर्मा आपके सांसद हैं, जानते हैं। 5 सालों में कुछ काम देखने को मिला नोएडा में, लगा कि कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदलाव हुआ है? जी सर, बहुत चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं, पहले जाम लगता था हर जगह, अब थोड़ा क्लियर है और जाम कम है। अच्छा, और सुविधाओं के बारे में अगर बात की जाए तो किस तरीके की सुविधाएँ बढ़ी हैं, अच्छा हुआ है? सर, सुविधा तो सारी बढ़ी हैं, एक तो लाइट की और सफाई जो है रोडों पे जो मिलती है वो भी, पेड़ पौधों पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है,
बल्कि आज के में मतलब ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं है, पॉल्यूशन, हाँ पॉल्यूशन है, तो पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं हमारे आसपास, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो लोगों के मुताबिक कहीं ना कहीं सफाई देखने को मिल रही है। मैम आप नोएडा में रहती हैं, क्या नाम है आपका? पूजा। पूजा, 5 सालों में आपको कुछ विकास, कुछ चेंज देखने को मिला नोएडा में? काफ़ी चेंज है जी। किस तरीके का बदलाव देखने को मिला है? साफ सफाई बहुत हो रही है आजकल रोड पे भी, और कूड़े कचरा जैसे कि हर जगह डस्टबिन का प्रयोग किया जा रहा है। अच्छा, 5 सालों में लगा कभी कि सांसद ने अच्छा काम किया है, चेंज हुआ है? यस, हाँ बहुत हुआ है चेंज। तो क्या क्या नई नई चीजें देखने को मिली, क्या क्या नए नए एक्सपीरियंस हुए? नया ये देख लो कि पढ़ाई के बारे में आजकल बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है पढ़ाई पे, जैसे यहाँ के लोग बता रहे हैं कि धीरे धीरे चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। और लोगों से बात करते हैं, नोएडा में रहते हैं, क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश, सांसद को जानते हैं आप अपने कौन हैं? नोएडा के डॉक्टर महेश शर्मा। हाँ जानते हैं। 5 सालों में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ देखने तो बहुत है सर, क्या क्या चेंज देखने को मिला है? सारे काम अच्छे हो रहे हैं, गरीब लोगों का सहायता भी हो रही है इसमें, गरीब लोगों की सहायता हो रही है, गाँव में भी सही अच्छी तरीका है। अस्पताल आते हैं किसी के साथ या जाते हैं तो क्या सुविधा देखने को मिलती है? दवाई तो मिलती है, मिलती है, हर इलाज सही होता है, साफ सफाई और चीज़ें। हाँ साफ सफाई होती है, मैं भी हॉस्पिटल में काम करता हूँ प्रीति शर्मा जी, तो ठीक रहता है सारी चीज़ें। हाँ सही, बिल्कुल। तो और लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जो नोएडा के लोग हैं वो बता पाएंगे कि किस तरीके का। आंटी जी आप नोएडा में रहती हैं जी, क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, 5 सालों में अगर बात करें तो कुछ बदलाव देखने को मिला, सांसद महेश शर्मा थे, कुछ बदलाव देखने को मिला? बहुत कुछ मिला है। जैसे क्या क्या? जैसे कि हॉस्पिटल में सुविधा है, गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रखा है वैसे जी, और तरक्की भी हो रही है जी। और कुछ नई चीजें? और चीजें क्या, बस ये गरीबों के लिए तो बहुत कुछ सुविधा कर रखी है। मतलब 5 सालों में कुछ बदला है नोएडा? बहुत कुछ बदला है भैया। तो लोगों के मुताबिक कुछ ना कुछ बदलाव उन्हें देखने को लगातार मिल रहे हैं, और लोग ये कह रहे हैं कि 5 सालों में जो तरक्की है नोएडा की वो ज़रूर हुई है। और उसी के सिलसिले में अब हम बात करेंगे कि उनके 5 सालों में उनके विधायक ने किस तरीके से काम किया और किस तरीके से उनको वो बदलाव देखने को लगातार मिल रहे हैं। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे जो और लोग हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से अंदर से बाहर आ रहे हैं, उन लोगों से पूछेंगे कि वो नोएडा के रहने वाले हैं तो कैसे वो चेंजेस देखते हैं। काफ़ी सुविधा है मगर कुछ सुविधा की अभी कमी है यहाँ पे। अच्छा, क्यों? सुविधा ये होनी चाहिए, जैसे हम आशा वर्कर हैं ठीक है, जैसे हम किसी मरीज को लाया, अभी सुविधा ये कमी है कि जैसे बच्चा बहुत कमज़ोर है तो उसके भाई यहाँ पे ICU की सुविधा नहीं है बच्चों के लिए, वो सुविधा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और जैसे रात में ऑपरेशन नहीं हो पा रहा, किसी परेशानी से ऑपरेशन हो रहा है मरीज के, सीजर से बच्चा हो रहा है, तो वो सुविधा नहीं है, वो रात में यहाँ होनी चाहिए, अब बच्चों के लिए ICU की सुविधा होनी चाहिए, और आशा को लिए भी यहाँ सम्मान मिलना चाहिए और बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बहुत सारी सुविधाओं का अभाव भी है, लोगों का कहना है कि हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत सारी सुविधाएँ हैं, लेकिन कई अभाव भी हैं, यानी कि विकास की तरक्की पर ये गौतम बुद्ध नगर चलने लग गया है, आगे बढ़ रहा है। सुबह से शाम इस अस्पताल में काफ़ी भीड़ रहती है, लोग यहाँ पर आते हैं और लोग यहाँ पर अपने अपना इलाज कराते हैं, सभी तरीके की सुविधाएं उन्हें मिलती हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है ये, बच्चों के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है, और लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर बच्चों की जो देखभाल हो और जो चीज़ें हों उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अब जो 5 सालों में उन्हें देखने को मिला है उसमें उनके मुताबिक उनको काफ़ी ज़्यादा काम देखने को मिला है। तो लगातार लोगों का यही कहना है कि बदलाव ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन कुछ जो कमियां रह गई हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। मेट्रो ट्रेन दिल्ली NCR को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। दिल्ली NCR के ज़्यादातर इलाकों को मेट्रो से जोड़ा गया है, अब दूर दराज के इलाकों में जाने से पहले सोचना नहीं पड़ता। नोएडा से गुड़गांव की 50 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी अब मेट्रो की मदद से 40 से 50 मिनट में पूरी की जा सकती है। 5 साल 5 काम 5 सवाल में हम मौजूद हैं मेट्रो स्टेशन सेक्टर 62 के पास, जो बिल्कुल नया बना है, और यहाँ पर हम लोगों से बात करते हैं कि पिछले 5 साल में उन्हें कितना बदलाव देखने को मिला नोएडा में। मैम आप लोग नोएडा में रहते हो? Yes. क्या नाम है आपका? प्रीति।
प्रीति, 5 साल में आपको क्या चेंजेस देखने को मिले नोएडा में? बहुत कुछ चेंजिंग देखने के लिए मिला है। सड़क में पहले बहुत जगह गड्ढे गड्ढे मिलते थे, अब भरे हुआ मिलता है, और मेट्रो की भी सुविधा हो गई, ये और अच्छा है हमारे लिए। तो लगता है कि कुछ काम हुआ है 5 सालों में? हाँ, कुछ काम तो हुआ है जी। आपका क्या नाम है सर? दुर्वेश कुमार। आप भी नोएडा में रहते हैं? यस। क्या क्या बदलाव देखने को मिला क्या 5 सालों में? बहुत कुछ बदलाव देखने को मिला। हाँ, आराम से रात के 12 बजे घूमते हैं, आते जाते हैं, बहुत कुछ मिला। मतलब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो गया है? बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। और ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें? बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। बहुत जगह जाम लगता था, बहुत जगह दिक्कतें होती, साफ सफाई की बड़ी बहुत ही कम जाम है, और साफ सफाई भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और हो भी रही है और है भी। तो लगता है सांसद जी ने कुछ काम किया है? बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ शायद है आगे करेंगे वो। और लोगों से बात कर लेते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता जी, आप नोएडा में रहती हैं? हाँ जी। आप क्या बदलाव 5 सालों में अगर कहें तो देखिए? बहुत कुछ बदल गया है, रोड भी सही हो गई और सुविधा हो गई है। क्या नाम है मैम? नीरज, नीरज शर्मा। 5 सालों में अगर बात करें तो कुछ सांसद ने काम किया वो दिखाई देता है? हाँ, दिखाई देता है मुझे। खोड़ा में मेरे बहुत जगह रोड खराब थे, वो सही हो गए और मेट्रो बन गई, और पहले मैं जीना से चढ़ के जाती थी, अब लिफ्ट से जाती हूँ। बहुत अच्छा। लोगों का ये कहना है कि बहुत सारे बदलाव उन्हें लगातार देखने को मिले पिछले 5 सालों में। ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में नई मेट्रो बन गई जिससे लोगों का सफर काफी आसान हो गया। कई अंडर पासेस बन गए जिसकी वजह से जो जाम लगने की समस्या थी वो जाम लगने की समस्या काफी कम हो गई। डंपिंग ग्राउंड का जो बड़ा मुद्दा था वो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा शिफ्ट कर दिया गया। लोग कहीं ना कहीं अपने सांसद के काम से खुश दिखाई दे रहे हैं, और लोगों का यही कहना है कि लोगों को अब ये जो बदलाव है ये दिखाई देता है। पहले सड़क में गड्ढे हुआ करते थे, अब वो गड्ढे नहीं है, लोग रात में बेखौफ होकर घूम सकते हैं। यानी 5 सालों में अगर कहें तो बदलाव की बयार बहती हुई लोगों को नजर आ रही है। पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में विकास की लहर जरूर दिख रही है, लेकिन विपक्ष की माने तो सांसद महेश शर्मा और बीजेपी ने सिर्फ उद्घाटनों के ही उद्घाटन किए हैं। क्या लगता है आपको कि जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं, इन्होंने पिछले 5 साल में, बीते 5 साल में गौतम बुद्ध नगर वालों के लिए क्या क्या काम किए, विकास कार्य? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे विकास कार्य गिनाए हैं, करीब 50,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास बताया है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या जनता की कसौटी पर खड़े उतरे हैं? देखिए, लोकार्पण में वही गिन ली होगी, जैसे मेट्रो ट्रेन सपा सरकार में आई थी तो उसका उद्घाटन का उद्घाटन हो गया, एलिवेटेड रोड जिसका उद्घाटन हो गया तो उसका उद्घाटन का उद्घाटन हो गया, चाहे वो क्रिकेट स्टेडियम से लेकर के बहुत सारी योजनाएं, सेल्फ आर्ट है, अभी नारी निकेतन है, मल्टी लेवल पार्किंग है, सेक्टर 18 में मिनी स्टेडियम बना है, सरफाबाद में बना है, तो बहुत सारी योजनाएं जो सपा सरकार में हुई थी। अभी 39 में आप देख रहे हो जैसे 7 मंजिला जिला अस्पताल बन रहा है जो अत्याधुनिक होगा, वो भी सपा सरकार की देन है। तो बहुत सारे काम हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से लेकर के इंटर कॉलेज बना आपके एक होशियारपुर गांव में, कन्या इंटर कॉलेज, ये सपा सरकार में। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल पूरे हो गए, अगर सांसद जी बताएं कि कोई इन्होंने कॉलेज बनवाया क्या यहाँ सरकार ने, क्या कोई डिग्री कॉलेज बनाया? केवल एक डिग्री कॉलेज है जिससे शिक्षा व्यवस्था पूरी नहीं हो रही है, बहुत ज़रूरत है एक और डिग्री कॉलेज की, नहीं बनवाया। और जो यहाँ इंटर कॉलेज हैं वो ये तो बसपा के हैं या सपा के सरकार में हैं। तो इन्होंने 5 साल में शिक्षा के लिए क्या किया? अगर शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया तो फिर कैसे बता सकते हैं अपनी उपलब्धि? दूसरी बात है, अगर ये कहें और कोई काम बता दें, कि जो इन्होंने एक प्रोजेक्ट बता दें जिसको इन्होंने किया है, हालांकि इन्होंने बहुत सारों का लोकार्पण उन्हीं का कर दिया जो सपा सरकार में कार्य किए गए थे। किसानों के लिए काम नहीं हुआ, किसानों की आपने देखा होगा बख्तावरपुर गांव में जिस तरीके से एक किसान की आबादी तोड़ करके उसका घर उजाड़ दिया गया और रोड पर बैठने को मजबूर है आज भी, वहाँ बीजेपी का कोई भी नेता गया नहीं, तो किसानों की कोई हमदर्दी नहीं है। सेक्टर 45 में किसानों का धरना चल रहा है, अभी आपने देखा नोएडा सेक्टर 6 के बाहर धरना अभी तक चला, वो भी इन्होंने आश्वासन झूठा दे करके उनको उठा दिया कि नहीं आपकी मांगों पर सुनवाई होगी, लेकिन नोएडा की बोर्ड बैठक में वो भी मामला नहीं आया, उनकी मांगों को नहीं रखा गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसानों को छला गया, इन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, उस बात को 3 साल हो गए, 6 साल का इन्होंने लक्ष्य रखा था। तो पूछना चाहते हैं क्या 3 साल में 50% उनकी आमदनी बढ़ी क्या? जेवर एयरपोर्ट को अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हैं महेश शर्मा की, उनके रहते हुए उन्होंने मुद्दा उठाया था, और वो क्या मानते हैं आपकी, जेवर एयरपोर्ट उनकी बड़ी उपलब्धि मानी जाए?
जेवर एयरपोर्ट बनता है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पता होगा कि ये अखिलेश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, अखिलेश जी ने उसको शुरू किया था, लेकिन चूंकि हमारी सरकार केंद्र में नहीं थी तो लगातार इन्होंने एनओसी में उसे अटकाया, कभी पर्यावरण के नाम पर, कभी ये कहा कि जो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा उससे इसकी दूरी है वो उसके मानक के अनुसार वो थोड़ा कम है इसलिए यहाँ नहीं बन सकता, फिर उन्होंने प्रस्ताव आगरा का भी दे दिया था और जगह का भी दिया था, लेकिन इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने, वो किसी भी तरीके से सफल नहीं होने दिया। अब चलो देर आया दुरुस्त आया, उसमें भी किसानों से जबरदस्ती जो उनकी जमीन ली गई, बहुत सारे किसान इस मामले में लड़ रहे हैं, लेकिन अगर किसानों को संतुष्ट कर करके अगर ये हवाई अड्डा बनता है, लेकिन किसानों को संतुष्ट उसमें किया जाए तो अच्छी बात है। सर अगर बात करें तो तकरीबन 50,000 करोड़ की परियोजनाएं गिना दी, तो क्या लगता है आपको 5 सालों में उसमें से कितनी धरातल पर दिखाई दे रही है और कितनी सिर्फ बातें? आप यहाँ से चले जाइए कहीं भी, थोड़े रोड यहीं जो रोड बने हुए हैं उन्हीं पर रोड हो जाता है पैसे खाने के लिए, नोएडा प्रांतगढ़ आप देखिए, थोड़ा गांव देहात में जाए गड्ढे मिलेंगे सड़कों पर, गांव की स्थिति खराब है, और आप चले जाइए इधर दनकौर और जेवर इन साइड में चले जाइए तो गांव की स्थिति वो है कि आपको पूर्वांचल में भी ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी जो यहाँ की है। कहने को गौतम बुद्ध नगर है, वहाँ कभी सांसद जी ने कभी मुझे लग रहा सुध ही नहीं ली वहाँ की, उन्हें सुध लेना चाहिए। आप बिल्डर एसोसिएशन बहुत सारे जो लड़ रहे हैं बिल्डरों के खिलाफ लोग, वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मकान नहीं मिला, योगी जी ने कहा था कि नहीं हम 50,000 फ्लैट दिलवा देंगे उनको, लेकिन वो भी नहीं मिल पाए। तो ये सरकार लगातार बिल्डरों के दबाव में काम कर रही है और ऐसे लोगों के दबाव में काम कर रही है जो केवल अपना पैसा बनाना चाहती है, अपना हित साधना चाहती है, जबकि सपा सरकार जब थी तो किसानों की एक भी आबादी नहीं तोड़ी गई, पूरे क्षेत्र में सर्वे कर लो एक आबादी नहीं तोड़ी गई, कि किसान मजदूरों गरीबों की सरकार वो थी, ये सरमाएदारों की सरकार, इसलिए इसमें किसान गरीब मजदूर और छात्र नौजवान के लिए कोई वो नहीं है। जो मोबाइल की कंपनी जिसका गुणगान ये करने में लगे अखिलेश जी के टाइम पर आ गई थी, लेकिन उद्घाटन का उद्घाटन दिखाना है नई चीज़ के ये मैंने कर दिया, जबकि ऐसा है नहीं। तो इस तरीके की अगर आंकड़े ये आ जाए कि 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन 5 सालों में रही तो आप क्या कहेंगे और क्या हो सकता है। भुखमरी में 55वें स्थान से हम 103 नंबर पर पहुंच गए कि हम पेट नहीं भर पा रहे हैं गरीबों का, तो ये सारी उपलब्धियां तो इससे जोड़ी जाती हैं, बात इनकी होनी चाहिए, ना कि बात मंदिर मस्जिद की बात होने लगे, क्योंकि लोगों का अगर पेट नहीं भरेगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा तो देश तरक्की कैसे करेगा। देश ऐसे मुद्दों पे नहीं चलता है कि आप किसी चीज को प्रतीकात्मक रूप से लेकर के उन मुद्दों को आप जनता से जोड़ दें और जनता को भावनात्मक रूप से उनका दोहन करें। मंदिर बना तो नहीं 5 साल में। सांसद विकास के चाहे कितने भी दावे कर ले, लेकिन जब तक क्षेत्र के लोग उन दावों पर सहमति की मोहर नहीं लगाते तब तक सारी बातें हवा हवाई ही लगती हैं। 5 साल 5 काम 5 सवाल, गौतम बुद्ध नगर के सांसद का रिपोर्ट कार्ड आज हम जनता के बीच पहुंचकर उनसे ही जानेंगे कि उन्होंने 5 साल में कितना विकास किया, लोगों की कसौटी पर कितने खरे उतरे। जनता से पूछते हैं कि उनको 5 सालों में क्या डेवलपमेंट दिखाई दिया और 5 सालों में अपने सांसद द्वारा किए गए कामों के बारे में वो क्या जानते हैं। सांसद आपके 5 साल में उन्होंने क्या काम किया, क्या विकास किया, कुछ बता सकते हैं, क्या लगता है आपको? एज अ स्टूडेंट वगैरह भी देखें, अभी वाराणसी और गाजियाबाद इतने हाई लेवल पे आ गए रैंकिंग में और नोएडा एकदम नीचे जा रहा है, जबकि इट इज़ द रिचेस्ट ग्रीन सिटी ऑफ द यूपी। तो मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा करने की जरूरत है और बाकी उसे तो बढ़िया ही किया है। अच्छा, लगता है आपको कि नई नई चीज़ें आई हैं, नया कुछ? हाँ, नए जैसे ग्रीन बसें चली हैं स्पेशली फॉर नोएडा, कि एक लेवल मिलता है ना स्टेटस कि हाँ चलो फ़ायदा हुआ है एज अ कॉलेज ऑफ स्टूडेंट और यूनिटी। और कई जैसे आप देखिए सैमसंग वाली फैक्ट्री खुली है सेक्टर 80 थी, माई फादर इज़ ऑल्सो गवर्नमेंट ऑफिसर। अच्छा, तो आपको लगता है कि नोएडा में डेवलपमेंट हुआ है? हाँ हुआ है 5 सालों जी। और लोगों से बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि कितना डेवलपमेंट लोगों को दिखाई देता है। भाई साहब नोएडा से हैं? हाँ, से। क्या लगता है आपको 5 सालों में कुछ काम हुआ है? कुछ नहीं किया है महेश सर बनना, कुछ नहीं किया। और ड्राइंग रूम लीडर है, इतने बड़े आदमी है कि उनसे लोग मिल भी नहीं पा रहे थे। सेक्टर 44 में हमारे यहाँ बाथरूम नहीं था, एक हमने लेटर दिया उनको, अप्लीकेशन दी, कहीं कुछ किया ही नहीं उन्होंने जी। कुछ नहीं करते, बहुत ड्राइंग रूम लीडर है। मोदी जी लोगों को विवश कर रहे हैं, उनको टिकट देके कि भाजपा को लोग वोट ना दे, दूसरा विकल्प ढूंढ रहे। और लोगों से पूछते हैं सर 5 सालों में कोई डेवलपमेंट कोई चेंजेस नोएडा में दिखाई दिए हैं? चेंजेस है सर, अभी के समय में जो क्राइम है काफ़ी कम हुआ है,
और दूसरी बात कि रोड का जो कंस्ट्रक्शन था, जो रोड जो बने नहीं थे, टूटे फूटे रोड थे, वो सारे रोड पे काम चल रहे हैं। यानी आपको लगता है कि कुछ काम हुआ? बिल्कुल हुआ है सर। अब जो अब और हम सबसे बड़ी काम तो ये है, नोएडा के नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, जो हम मोबाइल का बिल 30,000 रुपये साल का भर रहे थे, आज हमारा मुश्किल से 1,000 से 1,200 रुपए में पूरा काम हो जाता है। तो मोदी जी ने सबसे ज्यादा तो हमको इसी में फायदा दिया है हमको। और गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें तो क्या क्या बदलाव देखने को मिला? गौतम बुद्ध नगर में वही है, रोड का जो है सिस्टम सही हुआ है, काफी सारे ओवर अंडर पासेस और ओवर ब्रिजेस भी बने हैं, जो अभी के तुरंत जो पहले काम रुका हुआ था वो अभी काम काफी तेजी से चल रहा है। धन्यवाद। तो लोगों का कहना है कि कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, हालांकि कई लोगों का ये भी कहना है कि सांसद से मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लोगों के पास चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से उनके सांसद ने पिछले 5 सालों में उनके लिए विकास कार्य किए और लोग उस विकास कार्यों से कितना ज़्यादा रूबरू हो पाए हैं। सर, पिछले 5 सालों में आप लोगों को क्या लगता है कि आपके सांसद ने कितना काम किया है डेवलपमेंट का, जो आप लोगों को दिखाई देता हो या आप लोग फील करते हो? डेवलपमेंट का काम तो हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, बाकी अंडर प्रोसेस और रोड्स और फ्लैट जो नॉट रीचेबल थे फॉर द नॉर्मल पब्लिक, आज के टाइम में उसके रेट 5 साल में जो पहले थे उससे भी कम आगे रखे हैं, हम लोग खरीद सकते हैं। नहीं तो अगर अब वो जो ग्रोथ थी ना आज का टाइम होता तो हम खरीद ही नहीं सकते थे। तो सबसे बड़ा ग्रोथ तो वही है कि हम लोग कुछ खरीद सकते हैं अपने। और अच्छे कामों में या डेवलपमेंट में कुछ दिखाई देता है कि क्या है? डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं, 2-3 सालों पहले इसी जगह की जो शक्ल थी वो कुछ और थी, आज के टाइम में आप देख लीजिए क्या है। ये जो रेलिंग बनी, ये फुटपाथ बना, ये अभी रिसेंटली हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये जो मेन मार्केट है उसमें जो चेंजेस हुए हैं बहुत अच्छे हुए हैं, सड़क का काम भी बहुत अच्छा हुआ है, मेट्रो स्टार्ट हुई है नई, तो मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। रेट वाइज ग्रेटर नोएडा कनेक्टिविटी बेटर हो गई है, पहले से कनेक्ट हो गए हैं, और सफाई पहले से बहुत अच्छी हो गई है ओवरऑल पूरे नोएडा। रैंकिंग में थोड़ा नीचे आ गया। अरे ठीक है, रैंकिंग किस पैरामीटर पे करते हैं रैंकिंग वो ठीक है, बट ओवरऑल दिख के लग रहा है ना काम कर रहे हैं, लोग थोड़े से अवेयर हुए हैं, पहले अवेयर नहीं थे, अभी थोड़े से अवेयर हुए हैं लोग, ओवरऑल काम अच्छा है। प्लस इसमें सेंट्रल का रोल थोड़ा सा है, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, उस वजह से हुआ है। मे भी हो सकता है हमारे सांसद साहब थोड़े से उनका इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम हो या उनकी वजह से ना हो, स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल आ गया है इसमें। जैसे आप उधर 74 साइड में जाएंगे, वो सब रोडें चौड़ी चौड़ी कर दिया, पूरी चौड़ी रोडें हो गई, सड़कें हो गई, जो लगता था वो सब जाम वगैरह से, तो ट्रैफिक से थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है, बट इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा मेजर रोल है। लोगों का कहना है कि 5 साल में बदलाव हुए हैं, ट्रैफिक जाम की जो समस्या थी वो थोड़ी कम हुई है, फ्लाईओवर बन गए हैं, अंडर पासेस बन गए हैं, और मेट्रो की कनेक्टिविटी ने लोगों के आवागमन को सुविधा दी है। यानी लोग इस बात को मानने को तैयार हैं कि पिछले 5 साल में काफ़ी गौतम बुद्ध नगर में बदलाव के काम हुए हैं। कैमरामैन SK जी के साथ पवन त्रिपाठी, जी मीडिया, नोएडा।